ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है या फिर ये डिज़ाइन है। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई है। और ये बस एंड आ गया है कुतुब मीनार का। या आपको यहाँ से भी एक बार दिखा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण कार्य कराया था उसके पास मैं आपको लेके जाता हूँ। वो जो आप सामने देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है यहाँ का कुतुब मीनार का। यहाँ पे सबकी ये कब्रें हैं। ये आप देख सकते हैं कब्रिस्तान को भी। कारीगरी यहाँ पे भी बहुत अच्छी की हुई है। ये आप देख सकते हो कुतुब मीनार का ऊपर का जो हिस्सा था ये टूट गया था। ये बार बार टूट जाता था तो इसकी रिपेयरिंग भी कराई थी। अलाई दरवाज़ा दिखाता हूँ अब आपको जो कुतुब मीनार के पास है। इसके अंदर देख सकते हैं आप एक और दीवार है और इसके बाहर एक और दीवार है। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी खिलजी ने बनाई थी है अलाई मीनार और वो है कुआ। एक्सपोज करने के लिए भी काफी कुछ है। ये आप देख सकते हैं कुआ भी ये कवर किया हुआ है। ये काफी गहराई में भी नहीं है, काफ़ी कम गहराई में है। चलते हैं दूसरी साइड पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिज़ाइन कैसे बनाया था ये जब के टाइम में कैसे कैसे बनवाया होगा कारीगरों पे। ये देखिए यहाँ पर भी लाइटिंग लगी हुई है। ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है क्योंकि ऊपर पर वो बंद है। ये एक डिज़ाइन है जो आप देख सकते हैं।
ये आप देख रहे हो, यह खिलजी का मकबरा और यह खिलजी का मदरसा। ये देखिए, यह खिलजी का मदरसा। हमने इस साइड से भी एंड कर दिया है बिल्कुल बाउंड्री। मदरसा के आप रूम देख सकते हैं। स्मेल भी काफ़ी गंदी आ रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको। एक बार बैक से देख सकते हैं, ये इसमें गैलरी होगी काफ़ी टाइम पुरानी। बैक में बस ये इतना ही है। ये देखिए मदरसा खिलजी का। डिजाइन आर्ट काफी अच्छी है की हुई है। काफी कमरे हुआ करते थे उस टाइम पर भी। जो कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा, तो ये है एक खिड़की, ये दूसरे टाइल्स की खिड़की है, तीसरे की, ये चौथे की, और ऊपर टॉप फ्लोर। और ऊपर देखिए कितना अच्छा मार्बल लगा हुआ है। आपने मदरसा भी देख लिया है खिलजी का, अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। फुल्ली डिटेल में आपको कुतुब मीनार के एक एक छोटा छोटा पॉइंट और एक एक छोटा छोटा कोना मैंने आपको दिखा दिया है। काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर हो गया है तो इसलिए थोड़ा टूटने भी लगा है, पर जो टिका हुआ है वो बेस्ट बिल्कुल। और अब आप देखें कितनी साफ सफाई की हुई है, बिल्कुल कहीं पे ऊंचाई है कहीं पे ढलान है। ये देखिए ढलान, अब खूबसूरती तो देखने लायक है बिल्कुल। ये देखें कितनी अच्छी फुलवाड़ी है। ये कुछ व्यू तो आप देख सकते हैं, इमाम जमीम का मकबरा। यह अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में ही है, इसकी बनावट भी काफी अच्छी की हुई है। अब दिखाता हूँ अलाई दरवाजा अंदर से थोड़ा। ये देखिए इसकी काफी सही, मतलब कारीगरी, कारीगरों ने काफी अच्छी की हुई है। देखिए काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छी इसकी। पर ये कड़ा उस टाइम का क्या कड़ा भी लगता था, लगता होगा। मैंने आपको सारा का सारा दिखा दिया है। अलाई दरवाजा, साउथन गेट भी कहते हैं इसको। अब मिला अपना ट्राईपोर्ट, क्योंकि रख लिया गया था यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, पर मैंने बात भी कराई पर जमा कराना ही पड़ा क्योंकि ये अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब सिंपली ऐसी बना के लाया हूँ बस वीडियो, अपना फेस नहीं लिया है, बस बैक कैमरे से बनाई है सारी की सारी। देखे और इन्जॉय करिए। अब कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से आया हुआ हूँ यहाँ पे। ये कुतुब मीनार के सामने ही है एक स्ट्रीट फूड की दुकान, आप खा सकते हैं यहाँ पे आके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अब कुछ खा लेता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो बस जस्ट अभी कैब पकड़ के मेट्रो स्टेशन पर आया हूँ, बस वहाँ पे थोड़ा पानी पिया था क्योंकि खाने में कुछ ऐसा था नहीं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर का बटन
जरूर दबाइए, और जो साइड में बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। मैं हर रोज़ 11 बजे वीडियो डालता हूँ। तो ओके, बाय बाय।